हाथरस गैंगरेप मामले पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अब एक्शन में आ गई है। शुक्रवार दोपहर को सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि अपराधियों का समूल नाश सुनिश्चित है और ऐसी सजा मिलेगी जो नजीर बनेगी। देर रात हाथरस के एसपी सीओ इंस्पेक्टर और एसआई को निलंबित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार सच्चाई की तह तक जाने के लिए इस मामले में आरोपियों के साथ साथ पीड़ित पक्ष का पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टर या फिर नार्को टेस्ट कराने की बात कर रही। हालांकि पीड़ित परिवार ने पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। आइए समझते हैं कि क्या होता है पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट। पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट दरअसल झूठ को पकड़ने की एक टेक्निक होती है। भारत में मई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इन जांचों को गैरकानूनी ठहरा दिया था। हालांकि कोर्ट ने आपराधिक मामलों में इन जांचों को संबंधित व्यक्तियों की सहमति से करने की इजाजत दी है। सबसे पहले बताते हैं कि क्या है पॉलीग्राफ टेस्ट और ये कैसे काम करता है। इस टेस्ट में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ होती है और जब वह जवाब देता है उस वक्त एक विशेष मशीन की स्क्रीन पर कई ग्राफ्स बनते हैं। व्यक्ति की सांस, हार्ट बीट और बीपी में बदलाव के हिसाब से ग्राफ ऊपर नीचे होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कोई ये कैसे समझेगा कि संबंधित शख्स झूठ बोल रहा है या सच। इसका जवाब उसी ग्राफ में होता है। ग्राफ में अचानक अजीब से बदलाव दिखने लगे तो इसका मतलब है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इस टेस्ट को करते वक्त शुरुआत में बहुत ही सामान्य से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे नाम, पिता का नाम, उम्र, पता और परिवार से जुड़ी जानकारियां। फिर अचानक संबंधित अपराध के बारे में सवाल किया जाता है। अचानक इस तरह से क्राइम से जुड़े सवाल पर अगर शख्स की धड़कन, सांस या बीपी बढ़ जाता है और ग्राफ में बदलाव होता है तो इसका मतलब है वह झूठ बोल रहा है, और अगर बदलाव नहीं दिख रहा हो तो वह सच बोल रहा है। क्या है नार्को टेस्ट और कैसे काम करता है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। ये भी झूठ पकड़ने वाली एक टेक्निक है। इसमें संबंधित शख्स को कुछ दवाइयां या इंजेक्शन दिए जाते हैं। आमतौर पर ट्रूथ ड्रग नाम की एक साइकोएक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा के असर से शख्स बेहोशी जैसी हालत में चला जाता है, यानी ना उसे पूरी तरह होश रहता है और ना ही वह पूरी तरह बेहोश होता है। इस स्थिति में वह सवालों का सही सही जवाब देता है क्योंकि वह आधी बेहोशी की वजह से झूठ गढ़ पाने में नाकाम होता है। हालांकि इन सब के बीच ये भी बात है कि कभी कभी इसके नतीजे गलत भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलीग्राफ, नार्को या ब्रेन मैपिंग टेस्ट के नतीजे 100% सही ही आए। कुछ हार्डकोर क्रिमिनल्स इन टेस्ट को चकमा देने में भी कामयाब हो जाते हैं। हालांकि स्पेशलिस्ट की माने तो अगर इन टेस्ट को ठीक तरीके से किया जाए तो नतीजे सही निकलते हैं। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर, सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आपबीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी।